हेलो गाइस, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। जैसे कि आपने देखा था कि वहां पर बिग बॉस के हाउस में बिग बॉस होम डिलीवरी टास्क चल रहा था और इसकी पूरी डिटेल यहां पर हमारे पास आ चुकी है। फिलहाल आपने थंबनेल पर तो पढ़ ही लिया होगा कि कौन बना है इस टास्क का विनर। छाबरा की टीम वहां पर जीत चुकी है, मतलब पारस छाबरा गया है सीधा टिकट टू फिनाले से फिनाले में, यानी जो ये फर्स्ट फिनाले होने वाला है इसमें फर्स्ट कंटेस्टेंट हो चुका है पारस छाबरा। जी हाँ, पारस छाबरा को सबसे ज्यादा वहां पर डिलीवरी मिल गई है। अगर देखा जाए इस पूरे डिलीवरी टास्क को, तो सबसे पहले वहां पे देवोलीना गई थी, उसने पारस को डिलीवरी दी थी। उसके बाद दूसरी सना गई, सना ने आसिम को वहां पर डिलीवरी दी। तीसरा वहां पर कंटेस्टेंट था वो थी शेफाली, शेफाली ने किसी को भी वहां पर डिलीवरी नहीं दी। उसके बाद जो कंटेस्टेंट आया वो थी माहिरा, और माहिरा ने भी वहां पर पारस को ही अपनी डिलीवरी दी। और उसके बाद में रश्मि ने किसको डिलीवरी दी ये अभी तक हमारे पास न्यूज नहीं आई है, लेकिन सबसे ज्यादा डिलीवरी वहां पर पारस को मिलने के कारण पारस बन गए हैं टिकट टू फिनाले के फर्स्ट कंटेस्टेंट। जी हाँ, फिनाले में वहां पर पहुंच गए हैं और उनको मिला है टिकट टू फिनाले। ये बड़ी न्यूज है। अब यहाँ पर लोग खुश होंगे या दुखी होंगे ये तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ही बताइए कि आपको ये फैसला कैसा लगा कि ये जो मेजोरिटी वाली टीम है इन्होंने पारस को जीता दिया है। अब पारस किसको बचाएगा? अगर पारस के हाथ में वहां पर कुछ दिया एक लड़की को बचाने के लिए, तो वो माहिरा को बचाएगा या किसी और को बचाएगा, या पारस कुछ और गेम करेगा, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन आज के दिन आपको ये देखने में लगा कि पहला कंटेस्टेंट उनको मिल गया है पारस छाबरा, जो सीधा पहुंचा है फिनाले में। वैसे अगर देखा जाए तो पारस छाबरा वहां पर नॉमिनेशन में है, यानी कि सबके सब लोग वहां पर नॉमिनेशन में है। अगर पारस 9 नंबर पे होते, यानी वोटिंग में 9 नंबर पे होते, तो क्या अब ये फाइनलिस्ट होने के बाद सेव हो जाते? फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या है ये पूरी प्रोसेस। तो फिलहाल बीबी के हाउस से सूत्रों के हवाले से ये न्यूज है कि पारस छाबरा बने हैं पहले फाइनलिस्ट जो फर्स्ट फिनाले के होंगे। तो इन सब चीजों से क्या कहना है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप हैप्पी है या सैड है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना, क्योंकि मैं ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज आपके पास पहुंचाता ही रहूंगा। तो देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।